जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड आपने अभी थंबनेल में देखा है, आज फ्रेंड हम आपको डिस इंजीनियर की रूल्स के बारे में बताएंगे कि किस रूल्स के हिसाब से फ्रेंड वो क्या क्या आपका काम करता है, कैसे डिस इंस्टॉलेशन करता है और क्या क्या उसमें फ्री रहता है, जो करता है या नहीं करता है। अगर वो नहीं करता है तो आप उसकी कैसे कर सकते हो शिकायत, हम आपको हेल्पलाइन नंबर बताएंगे, जो कि आप जो भी आप डिस यूज़ करते हो उस डिस के आपको हेल्पलाइन नंबर बताएंगे। तो फ्रेंड वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से ही देखिए। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है तीरथ कुमार और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल तीरथ बेस्ट। फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं, फ्रेंड प्रधानमंत्री का फ्रेंड सबसे बड़ा बयान आ गया है सामने, जैसा कि फ्रेंड कल फ्रेंड आपने सोशल मीडिया फ्रेंड या टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि फ्रेंड जो भी फ्रेंड अपराध करता है, जो भी फ्रेंड घिनौनी हरकत करता है, जो भी फ्रेंड हैवानियत यानी कि कोई फ्रेंड बलात्कार करता है, तो उसे फ्रेंड सिर्फ भी सिर्फ फांसी की सजा दी जाएगी और कोई सजा नहीं होगी, जो कि अच्छा है। जैसा फ्रेंड आपको पता ही है कि फ्रेंड प्रियंका दीदी के फ्रेंड जो जिन्होंने रेप किया था फ्रेंड वो बहुत ही गलत किया था उन्होंने, तो फ्रेंड अब उसे फांसी होने वाली है और होनी भी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड हमारे घर में भी माँ बहन है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फ्रेंड बता दूं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटे को भी दबा दे, ताकि हमारे ऐसे ही नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम समय टू समय मिलते रहे सबसे पहले। तो हम बात करते हैं डिसमिस। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बात करता हूँ नए कनेक्शन की। अगर फ्रेंड आप कोई भी कंपनी का फ्रेंड अगर नया कनेक्शन लेते हो, जैसे कि टाटा स्काई है, एयरटेल है, डिश टीवी है, वीडियोकॉन है या फिर इंडिया में टीवी बिग टीवी वगैरह जो भी है, तो उस कनेक्शन आप लेते हो कोई पेड सेटेलाइट का, यानी कि आप पैसे वाले जिसका कनेक्शन लेते हो, तो फ्रेंड उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज फ्री है। ठीक है, यानी कि आपको अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक भी पेड सेट भी। वो मैं आपको बता दूँ कैसे, मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल। मान लो आप टाटा से कनेक्शन नया लेते हो या एयरटेल का नया कनेक्शन आप लेते हो, ठीक है, तो ये पैसे वाली डिश हुई, तो इसमें फ्रेंड बंदा फ्रेंड जो आएगा वो आपको फ्री इंस्टॉलेशन करके देगा, एक पैसे भी आपको अलग से नहीं हो लेगा, एक रुपये फ्रेंड वो भी अलग से नहीं लेगा, वो कनेक्शन है वो आपको फ्री करके देगा। ठीक है फ्रेंड, अभी फ्रेंड मैं आपको बता दूँ फ्रेंड रूल्स के मुताबिक, ठीक है फ्रेंड, तो आपको फ्री कनेक्शन करके देगा, ये इतना आपको पता चल गया। अभी फ्रेंड अलग से आप फ्रेंड कोई भी काम कराते हो अलग से, यानी कि और भी कोई डिश से आपके पड़ोस में वगैरह घर में तो कराते हो, उसका पैसा फ्रेंड वो अलग से लेगा, ये आप बात नोट कर लो कि फ्रेंड मैं भी डिश मिस्त्री हूँ और फ्रेंड मेरे भी साथ ऐसा बहुत कुछ बार हुआ है फ्रेंड, इसलिए फ्रेंड मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ ये सब। तो फ्रेंड मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, अगर और भी आप टीवी इंस्टॉलेशन कराना चाहते हो, ठीक है, या डिश वगैरह अलग से, तो उसका बंदा अलग से चार्ज लेगा, फिर चाहे चार्ज का रूल्स कितना भी है उसके हिसाब से वो बंदा आपसे चार्ज लेगा। ठीक है फ्रेंड, और हाँ और बात मैं फ्रेंड आपको बता दूं, अगर फ्रेंड आप लिमिट से बाहर हो, यानी कि फ्रेंड मान लो 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूरी पर आते हो, तो उसका फ्रेंड चार्ज वो दुकानदार या कंपनी वाले अलग से आपसे लेंगे, वो फ्री इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं होगा। मान लो 2200 में कोई भी कनेक्शन आता है तो आपको 2400-2500 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रेंड वो लिमिट से बाहर है। ठीक है फ्रेंड, तो और को अगला फ्रेंड आप काम कराना चाहते हो तो उसका पैसा बंदा अलग से लेगा, और कोई और कोई फ्रेंड आप अगर जो भी सामान इंस्ट्रूमेंट लगता है डिस्क में, ठीक है, जो कि अलग से है। ठीक है फ्रेंड, पहली बात हो कि कनेक्शन नया आएगा डिस्क का, सेट बॉक्स का लगाने का, वो तो चार्ज आपको मैंने आपको पहले बता दिया, उसको आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। हाँ फ्रेंड, मान लो अभी एग्जाम्पल के मैं आपको लिए बता रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है, अभी एक कोई और कनेक्शन है आपकी, ठीक है, आपके भाई का भी है एग्जाम्पल, मान लो अभी वो लगा रहे, तो आप सोच रहे होंगे कि वो भी फ्री करके देगा, तो फ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आप गलत सोच रहे हो, उसका पैसा आपको अलग से देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड ये तो है फ्रेंड, ये तो फ्रेंड है जो नए कनेक्शन के बारे में, ठीक है। अभी फ्रेंड आप रिकनेक्शन कराना चाहते हो, ठीक है, प्राइवेट मिस्त्री से, जो कि कंपनी से मिस्त्री नहीं आएगा, ठीक है, रिकनेक्शन यानी कि छतरी आपकी पहले से हिल चुकी है, ठीक है, या तो हिल चुकी है, आप ड्रिल वगैरह करके वापस लगाना चाहते हो, उसमें फ्रेंड क्या रूल्स रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो फ्रेंड जो उसमें तो फ्रेंड जो रूल्स रहेगा, ठीक है फ्रेंड, मान लो मैं डिस मिस्त्री हूँ, ठीक है फ्रेंड, मैं वैसे ही हूँ डिस मिस्त्री, ठीक है, तो फ्रेंड मुझे अगर कोई कॉल करता है, ठीक है, तो भाई हमारा डिस लगा नहीं, वो लगा तो मैं लगा के दूंगा, ठीक है, तो उसका फ्रेंड चार्ज होता है, ठीक है, फिर चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे 50 किलोमीटर हो, चाहे 30 किलोमीटर हो, चाहे 20 हो, चाहे 10 हो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, तो वो फ्री करके नहीं देगा, क्योंकि फ्रेंड वो पर्सनल काम है, प्राइवेट काम है, खुद का काम है, ठीक है, तो उसका पैसा लेगा। उसके मुताबिक फ्रेंड अगर फ्रेंड मैं फ्रेंड आपको फ्रेंड डिस लगा के आपको दे रहा हूँ, उसमें फिर अगर कोई भी कनेक्टर नहीं होता है, LMB नहीं होती है, वायर नहीं होती है, AV केबल नहीं होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे रिमोट है, बैटरी या सेल वगैरह ऐसे नहीं होते, तो वो आपको अलग से लाने पड़ेंगे या आपको अलग से पैसे उसके देने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो भी साथ में आपके
फ्री में आएगा, ये मैं आपको बात साफ कर दूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये तो रूल्स हो गया, आपको भी पता है। और फिर अगर रिलोकेशन होती है फ्रेंड, एक सिग्नल मिलाना होता है, तो फ्रेंड उसका चार्ज अलग से होता है, जो कि कम ही होता है, ठीक है। अगर आप ड्रिल करा के काम कराना चाहते हो, ड्रिल वगैरह करा के, तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होता है, तो क्योंकि बंदा काफ़ी मेहनत करता है, आपको भी पता है, ड्रिल वगैरह करके, ठीक है, तो उसका चार्ज अलग से होता है। और फिर अगर आपने फ्रेंड बात कर ली कि हाँ डिश सेट करनी है, अभी फ्रेंड बंदा आपके घर में आता है, अभी आप बोल रहे कि LED भी साथ में लगाओ भैया, आपने बोला था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि फ्रेंड LED लगाते हैं, तो जो भी LED का चार्ज है वो बंदा आपसे अलग से ही लेगा, और जो भी सामान लगता है, जो भी समथिंग ऑल, ठीक है, जो भी सामान लगता है, उस वो सामान फ्रेंड आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे, उसकी गारंटी में नहीं है। अभी फ्रेंड वो फ्रेंड क्या गलती करता है, तो आप शिकायत करते हो, ठीक है, मतलब कौन सी कंडीशन में आप शिकायत कर सकते हो, ठीक है, और कैसे कर सकते हो, वो हम आपको हेल्पलाइन वगैरह सब आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको पहले बता दूँ, अगर कोई फ्रेंड बंदा आता है, ठीक है, वो जल्दबाजी में ऐसे ही करके जाते हैं, या डिस्क को लूज छोड़ देता है, ठीक है, और या तो नॉर्मली आपको मतलब सही करके TV चार ऑन करके आपको नहीं बताता है, ठीक है, आपको ऐसे बोल देता है सही हो गया भाई, तू अब पैसे दे दे, हम जा रहे हैं, ऐसे जल्दबाजी हो रहे, वो हो रहे हो, घंटा कुछ नहीं, तो ऐसा हो रहा है फ्रेंड, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो, या उसे खुद को बोल सकते हो भैया पहले ठीक करके जा और बाद में पैसा ले तू, ठीक है। किस कंडीशन में, मैं आपको बताता हूँ। अभी एग्जाम्पल मान लो मुझ में, मैं आपके घर आ गया डिस्क लगाने के लिए, ठीक है फ्रेंड, अभी मैं जल्दबाजी में आ गया, ठीक है, तो मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा कि मैंने सही नहीं किया है, ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, TV ऑन करके नहीं बताऊँगा भैया, ठीक है, ऐसे नॉर्मली करूँगा, हाँ यार ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे पता है, मान लो आपके या टाटा स्काई लगा है या फ्री वाला कनेक्शन ही लगा है, ठीक है, तो फ्री वाला कनेक्शन में आप क्या करोगे, आप किसी पड़ोस के सेट बॉक्स होगा, किसी भी आपके पड़ोस में भाई में घर वगैरह में सेट बॉक्स होगा, पड़ोसी वगैरह में, तो उसका वो सेट बॉक्स मांग के आप चेक कर लेना, अगर बंदे ने डिस्क सही सेट की है तो वो चलेगा ही, नॉर्मली आपको पता ही है। अगर नहीं चल रहा है फिर भी, ठीक है, आपने एक दो सेट बॉक्स चेक कर लिए, तो भैया मैं आपको सिंपल बात बता दूँ, उस बंदे ने सही सेट नहीं किया, और उसकी आपको शिकायत करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड, मैं ये किसी फेवर वीडियो बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक के डिस्ट्रीब्यूटर के या डिस्क मिस्त्री के, मैं जो सच्चाई है फ्रेंड वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए फ्रेंड वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए फ्रेंड वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से ही देखिए फ्रेंड, मैं आपको आगे और भी कुछ उसमें बारे में रूल्स के बारे में बता रहा हूँ, जो कि आप किसी को पूछोगे नहीं फिर कभी, ठीक है फ्रेंड। तो उस मुताबिक में अभी फ्रेंड मान लो कि LM भी खराब हो चुकी है, ठीक है, कनेक्टर नहीं है, ठीक है, AV केबल नहीं है, रिमोट नहीं है, या बैटरी नहीं है, तो उस बंदे की कोई गलती नहीं है। अब अगर वो बंदा बोल रहा है कि भैया देख लो इसमें आपकी LM भी खराब है, LM भी नहीं लगेगी, ठीक है, तो अगर फ्रेंड नहीं लग रही हो, आपको लगानी चाहिए और पैसा आपको भी देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है 1%, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, उस बंदे की कोई भी गलती नहीं है। आपको लग रहा है भैया सब सही है, ठीक है, अभी फिर भी नहीं चल रहा है, आपने 2-3 सेट बॉक्स चेक कर लिए, आपको पता है, ठीक है, तो उनको बोलो कि भैया तू हाँ तू पैसे ले ले, कोई बात नहीं, तू ये LM भी लगा के चेक कर, सही चल रही है नहीं चल रही, ठीक है, अभी उसमें सही चल रही है, ठीक है, और जो आपके LM भी उसमें सही नहीं चल रही, LM में कैमरा होता है आपको पता है, ठीक है, उसमें सही नहीं चल रही, तो आपको नॉर्मली उसको क्या बोलना है, जो भी पैसे आपको देगी उस सही कंडीशन करा देना है फ्रेंड। कि फ्रेंड देखो बहुत सारे मिस्त्री आते हैं, ऐसे होते हैं जो फ्रेंड मतलब जो लूटने को कस्टमर को लूटते ही है, सीधी बात, मैं किसी एक के नहीं कर रहा, मैं सबके बारे में, मतलब कुछ मिस्त्री ऐसे हैं जो लूटने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में आते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से फ्रेंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको रूल्स समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ फ्रेंड, अगर आप फ्रेंड फ्री वाली का फ्रेंड अगर आप नया कनेक्शन लेते हो, ठीक है, तो उसमें फ्रेंड कोई भी फ्री इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी फ्री वाला कनेक्शन लेते हो, तो उसमें मैं आपको रूल्स बता दूँ, उसमें जो भी अलग से चार्ज होगा जिस मिस्त्री का जितना भी होगा, छतरी सेट करने का या LED लगाने का, उसका अलग से चार्ज होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूँ। कोई भी काम अलग से आप ड्रिल वगैरह कराना चाहते हो, तो अगर बंदा अपनी मर्जी से करा हो तो अलग बात है, बाकी नहीं आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना होगा, ठीक है। अभी फिर आप शिकायत कैसे कर सकते हो, कौन से रहेंगे हेल्पलाइन नंबर, जिस हेल्पलाइन नंबर से आप शिकायत कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो अभी मैं फिर कुछ समय बाद फिर डिस्प्ले में फ्रेंड नंबर शो करूंगा, हेल्पलाइन नंबर, जो कि फिर आप डिस्क यूज करते हो, ठीक है, तो उसी आपसे करना है, और किस करना है नहीं करना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको नंबर में आपको शो करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो अभी फ्रेंड जो आपको नंबर शो हो रहा है, ये है फ्रेंड टाटा स्काई, ठीक है, अगर फ्रेंड आप टाटा स्काई के कस्टमर हो, तो फ्रेंड इस नंबर पर आप कॉल कर देना, हेल्पलाइन नंबर पर आपकी जल्दी आपको अपना नाम वगैरह सब बता देना है, नाम है, सिटी का नाम है, विलेज है, ठीक है, मतलब किस दुकान से आपने खरीदा है, ठीक है, तो आपको ये सब बता देना है। अगर आप एयरटेल का फ्रेंड यूज कर रहे हो, तो ये आपको नंबर जो आपको अभी आपको शो हो रहा है, ये एयरटेल का नंबर है, आप सेम प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है, तो सब्सक्राइबर ID नंबर सब आपको बताना है, ID नंबर बताना है, अपना नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है, दुकान का नाम बताना है, और गांव का नाम बताना है, हमने कनेक्शन दिया था बट हमारी कोई मांगी पूरी नहीं
हुई। अगर फ्रेंड आप डिश टीवी का नंबर, डिश टीवी का फ्रेंड आप कनेक्शन यूज कर रहे हो तो ये आपको नंबर शो रहा है, डिश टीवी का नंबर है फ्रेंड, देख लो आपके सामने, ये सेम प्रोसेस आपको करनी है इसी तरह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अगर फ्रेंड आप इंडिया में टीवी का यूज कर रहे हो तो फिर इंडिया में टीवी पहले से बंद है, आपको पता ही है, ठीक है, उसमें कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, तो वो तो पहले से बंद है, लेकिन ये उसके नंबर है, मैं आपको नंबर भी शो करा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड। तो फिर डिश टीवी का हो गया, इंडिया में टीवी का हो गया, टाटा स्काई का हो गया, एयरटेल का हो गया, और फ्रेंड अभी ये जो फ्रेंड वीडियोकॉन का नंबर शो हो रहा है, फ्रेंड ये वीडियोकॉन का नंबर है, ठीक है, आप भी नोट कर लो ताकि आप कॉल करके अपना समय जो भी है कर सकते हो। हाँ फ्रेंड, अगर आप फ्रेंड फ्री वाले आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें फ्रेंड कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं रहता है, जैसा कि आपको पता है, तो आप कैसे शिकायत करोगे? आपने जहाँ से कनेक्शन खरीदा है उधर जाओगे, उनको बोलोगे भैया ये मिस्त्री आया था, ऐसा मतलब वो आपको नंबर वगैरह तो होगा ही पहले से, ठीक है, तो उनको बोलना है भैया मिस्त्री आया था तो हमारा काम सही ढंग से नहीं किया है, तो उसकी फ्रेंड जो भी है आप उसकी शिकायत करो, ठीक है, और हमारा काम सही से करो, देखो ये मतलब ये लूटे मत, जो भी आपको जो सही प्रोसेस है वो आपको बतानी है, ठीक है फ्रेंड। तो ये है रूल्स के हिसाब से, अब आपको किस कंडीशन में शिकायत करनी है। मैं तो फ्रेंड अगर पहले मेरी ओपनिंग की बात की जाए फ्रेंड, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप है जो फ्रेंड पहले आप जिस दुकान से आप जिस डीलर से फ्रेंड आप कनेक्शन खरीद रहे हो, ठीक है, उधर जाके शिकायत करो ताकि आपकी शिकायत जल्दी पूरी हो सके, ठीक है। अभी फ्रेंड आप डायरेक्ट कंपनी वालों को बोलोगे तो कंपनी वाले पूछेंगे किस दुकान से आपने ये खरीदा है, ठीक है, क्या आपके हेल्पलाइन नंबर है, मतलब क्या सब्सक्राइबर आईडी नंबर है, मतलब जो भी खूब सारे आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, आप दुकानदार के जाना है जहाँ से आपने कनेक्शन लिया है, उधर आपको ये सब शिकायत कर देनी है। कोई बंदा अगर आपको सही से काम नहीं करता है, या मतलब कोई भी कनेक्शन आप नया कनेक्शन ले लिया है और उसमें मतलब पैसे मांग रहा है कि भाई आप पैसे अलग से दो, और जो कि आपको पता है कि कनेक्शन तो फ्री होता है, नया कनेक्शन मैंने आपको बताया फ्री वाली को छोड़ के, बाकी जो भी पैड पैसे वाली डिश है उसकी कनेक्शन फ्री होता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप दुकानदार के पास जाओ। हाँ, दुकानदार फिर भी वो भी फर्जी निकले तो आप ये सब प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी हेल्पलाइन नंबर शो किया है, बताया है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो। आप फ्रेंड मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड, मैं ये वीडियो किसी के फेवर में भी नहीं बना रहा हूँ, मैं फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ भी फ्रेंड सच्चाई बताने के लिए आपको भी फ्रेंड बना रहा हूँ, ना ही मैं फ्रेंड जिस मिस्त्री को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं दुकानदार की सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं कस्टमर की सपोर्ट कर रहा हूँ, जो सच्चाई है फ्रेंड वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी नेक्स्ट टाइम कोई समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कोई भी किसी भी चीज़ की जरूरत भी ना हो 1%। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी दबा दे। हाँ फ्रेंड मैं आपको फिर से कह दूँ फ्रेंड, प्रधानमंत्री ने फ्रेंड बोल दिया है, फ्रेंड जो प्रियंका दीदी है उनके कातिलों को फ्रेंड फांसी की सज़ा दी जाएगी, ये अच्छी बात है फ्रेंड, मैं भी काफ़ी खुश हूँ, हैप्पी हूँ फ्रेंड, ताकि उसको फांसी की सज़ा मिले, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी ना हो। फिर फ्रेंड मैं मेरी तरफ से फ्रेंड आपको यही कहूँगा, प्लीज़ आप ऐसा करना फ्रेंड, आप अपना जो फ्रेंड अपना गुस्सा है फ्रेंड उसे शांत मत तोड़े देना, कि फ्रेंड जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है फ्रेंड, वो फ्रेंड कभी भी उसका मूड चेंज होते को देर नहीं लगती, इसलिए फ्रेंड अपना जो गुस्सा है फ्रेंड, अपना जो फ्रेंड प्रदर्शन है वो हम करके रहेंगे, प्लीज़ अपना जो गुस्सा है वो शांत मत होने देना, क्योंकि फ्रेंड हमारे घर में भी माता है, बहनें हैं फ्रेंड, तो हम फ्रेंड वैसे मैं फ्रेंड मेरे पर्सनल फ्रेंड मैं मेरी बात करूँ, मैं फ्रेंड गर्ल्स और वुमेंस की सच्चे दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, तो फ्रेंड उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा, प्लीज़ फ्रेंड आपसे हाथ जोड़ के फ्रेंड विनती है फ्रेंड, आप अपना फ्रेंड जो भी गुस्सा शांत मत तोड़े देना 1% भी फ्रेंड, सज्जा मिलनी चाहिए और परफेक्ट मिलनी चाहिए फ्रेंड, ये सज्जा 4 दिन फ्रेंड लटक ली तो फ्रेंड आप नेक्स्ट टाइम देखना कि फ्रेंड कोई भी फ्रेंड किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी रैप करने से डरेगा 1%, सोचने की दूर करेगा नहीं 1% भी, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड हमारा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दे ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, हैप्पी रहे, अपने फैमिली के साथ रहे, आई विश यू है सो हैप्पी।